हाट काली अर्थात श्री कालिका या महाकालिका मंदिर। पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे गंगोली हाट की काली भी कहते हैं। महिषासुर मर्दिनी देवी की पीठ यहीं पर स्थापित है। कहते हैं देवी के साथ महिषासुर ने युद्ध इसी गंगोली में किया था, जिसमें महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज आदि बहुत से दैत्य मारे गए। गंगोली हाट की हाट कालिका देवभूमि कुमाऊं की सर्वाधिक जागृत एवं सिद्ध पीठों में से एक है। कहते हैं यह देवी पूर्व काल में कभी कभी रात के समय ऊंची आवाज में कीर्ति बागेश्वर महादेव को पुकारती थी और उस समय जो कोई भी उस वाणी को सुन लेता था वह उसी वक्त मर जाता था। इसी कारण आसपास के लोग तंग आकर दूर जा बसे थे। जब से आदिगुरु शंकराचार्य ने आकर इस मंदिर को कीलित किया है तब से देवी का पुकारना यहाँ बंद हो गया है और लोग भी आकर रहने लगे हैं। आइए प्रविष्ट होते हैं मंदिर की गर्भगृह में और भाग लेते हैं पूजा अर्चना में। श्री महाकाली मंदिर 1008 महाकाली मंदिर गंगोली हाट की स्थापना जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा की गई। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान जब निकले थे तो उन्हें हाट कालिका के उक्त स्थल पे ज्वाला के स्वरूप को देखते हुए ये आभास हुआ। वो शिव अवतार थे, सिद्ध पुरुष थे, उनको ये आभास हुआ कि ये विशिष्ट प्रकार की ज्वाला जो प्रज्वलित हुई है इसमें किसी न किसी देवी शक्ति का वास है। तो उन्होंने अपनी सिद्धि के द्वारा उस देवी शक्ति को कीलन उत्कीलन ठोकन के जरिए सात कड़ाओं के द्वारा कंट्रोल पे ला करके काबू करके वशीकृत कर दिया और अपने साथ लाए हुए श्री यंत्र को स्थापित कर दिया, जो श्री यंत्र बाद में महाकाली हाट कालिका के नाम से या महाकालिका के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। और इसी के निमित्त यहाँ पे महाकाली की मूर्तियाँ विशेषकर कुमाऊँ रेजिमेंटों द्वारा अर्पित की गई और यहाँ पे देवताओं के प्रधान मुख्य गणेश जी को स्थापित किया गया और काली पुत्र बटु भैरव जी को भी स्थापित किया गया। यही यहाँ का संक्षिप्त इतिहास रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट की अधिष्ठात्री देवी भी है। कुमाऊं रेजिमेंट का विजयनाथ कालिका मैया की जय इसी देवी को समर्पित है। यद्यपि वर्ष भर यह पीठ दर्शनार्थियों की श्रद्धा व आकर्षण का केंद्र बनी रहती है परंतु चैत्र व अश्विन की अष्टमी को यहाँ नवरात्रि के विशाल मेले लगते हैं और यह पूरा क्षेत्र माँ महाकाली की श्रद्धा व भक्ति में डूब जाता है। श्रद्धा, देव स्तुति और समर्पण, पूजा अर्चना और बलिदान गंगोली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वत्र विद्यमान है। शक्ति रूपी देवियां यहां विविध रूपों और नामों से विविध पर्वत शिखरों व घाटियों में विराजी हुई हैं। इन्हीं देवियों में सर्वाधिक प्रमुख हैं मां बाराही की पीठ, जो समीपवर्ती देवी धूरा नामक स्थान पर स्थित है। बाराही अर्थात भगवान विष्णु के बारह रूप की वामंगी अर्थात बाराही। ये है कुमाऊं के चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर स्थित माँ बाराही देवी का मंदिर। पौराणिक कथा है कि माँ बाराही देवी ने यहाँ हिरणाक्ष नामक राक्षस का उग्र रूप धारण करके वध किया था। इस देवी की स्थापना विशाल चट्टानों में घिरे गर्भगृह में की गई है, जहाँ पर प्रवेश व निर्गमन का मार्ग काफी संकरा है।
गुफा में, यह आदि काल से यहाँ पर प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा के अंदर जो शिला है यह किसी की न बनावटी है, न इसको किसी ने तराशा है, न किसी शिल्पी ने इसको गाढ़ा है। यह स्वयं प्रसूत यहाँ पर एक बारह भगवान की शिला है जो दर्शनीय है और बारह के आकार की है। उसको ढक करके रखा गया है। उसकी नित्य प्रति तीन पूजाएं होती हैं, प्रातः और प्रातः काल में दो पूजाएं और सायंकाल के समय पूजा होती है। इसको वैष्णवी शक्ति भी कहा गया और इसको बाराही भी कहा गया। इसी को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी हम मानते हैं। इसको सच्ची गौरी के नाम से भी हम पुकारते हैं जिस स्थान पर हम इस वक्त बैठे हैं। तीन शिलाओं के मध्य में विराजमान माता बाराही की यह कंदरा जिसको हम गौरी कहते हैं, वहाँ पर आदिशक्ति की हमने पूजा और दर्शन लाभ किए। वहाँ से आकर के हम भोग मंडप के रास्ते से अनंत वेली पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम दो शिलाएँ जो योनि आकार का मंडल बना योनि आकार बनाए हुए हैं, मध्य में सोपान है, सीढ़ियाँ जिसको बोलते हैं, वहाँ से मार्ग ऊपर को जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर से पूजा अर्चना के लिए लोग जब अष्टबली लाते हैं, वह अष्टबली पूरी समूची इसी मार्ग से मंदिर की ओर पूजा के लिए जाती है। यहीं पर जहाँ पर हम बैठे हैं, माता की यह अनंत बेली या अनंत शरण कही जाती है, जिसको हम यहाँ पर शरणांगत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते करके मंत्र जाप करके यहाँ पर अपनी मनोती माता के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर के लिए शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की रात्रि में जब यहाँ पर रात्रि जागरण होता है, जो अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहती है माताएं बहनें, जिनकी गोद सूनी रहती है, ऐसी माताएं यहाँ पर अखंड रात्रि का दीप जागरण करती हैं और निश्चित रूप से इस अनंत बेली में रात भर जागरण करने के बाद उनकी मनोती आज तक पूरा हुआ किया करती है, हुई है, ऐसी हम लोगों की मान्यता है। बाराही से जुड़ा है बगवाल, बगवाल अर्थात पाषाण युग, जिस युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच में अभी इस वक्त बैठी हूँ और इसकी सीमा उस पत्थर से लेकर उस पत्थर तक जाती है। कहते हैं कि यहाँ के चारों खामों अर्थात क्षेत्रों के बीच में एक परंपरा थी कि प्रतिवर्ष एक युवक नरबली माँ के उग्र रूप को चढ़ाई जाती थी और इस नरबली के लिए प्रत्येक खाम के प्रत्येक परिवार का क्रम होता था। लोगों का ये भी कहना है कि एक बार जब एक वृद्धा के पोते की बलि की बारी आई तो उस वृद्धा ने माँ की भीष्ण रुदन करके माँ की स्तुति की और उस माँ से, देवी माँ से अपने एकमात्र कुल दीपक को बचाने का अनुरोध किया। फलस्वरूप माँ ने एक नए विधान की रचना की जिसमें प्रत्येक खाम के पुरुष दो गुटों में बटके बगवाल अर्थात पाषाण युद्ध करते हैं और ये युद्ध तब तक जारी रहता है जब तक कि एक मनुष्य के बराबर रक्त इस युद्ध क्षेत्र में बह नहीं जाता और युद्ध समाप्ति पर यही लोग आपस में गले मिलते हैं। ढोल दम्बुए नगाड़ों की जोशीली धुनों और उपस्थित जनसमूह के मां बाराही की जयकार के बीच पूर्ण आस्था समर्पित लोग इस रोमांचक युद्ध अर्थात बगवाल को देखने के लिए लाखों की संख्या में यहां उपस्थित होते हैं। हिमालय के विभिन्न स्थानों पर त्रेता युग के महानायक माता कुंती के पुत्र पांडवों का संबंध रोचक दंत कथाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है। फलस्वरूप विराट शक्ति से परिपूर्ण भीम के संदर्भ में कथा है कि उन्होंने यहाँ इस विशाल शिला को अपनी तलवार से चीर डाला था और जब ये शिला हिलने लगी तो उसे संभालने के लिए पांच उंगलियों से उठाकर इस शिलाखंड को यहाँ पर स्थापित कर दिया। यहीं पर उन्होंने देवी के साथ चौपड़ भी खेला तथा उन्हें पराजित किया। ये सभी प्रतीकात्मक सूत्र आज भी यहाँ विद्यमान है। इस क्षेत्र की एक और अद्भुत विशेषता है गुफा मंदिर। विशाल पहाड़ अपने भीतर रहस्यमयी गुफाओं को छिपाए बैठे हैं।
जहाँ ये गुफाएं एक ओर विस्मय और रोमांच की जबरदस्त अनुभूति कराती हैं, वहीं दूसरी ओर ये श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण है। गांगुली हाट पनार मार्ग पर स्थित भोली गांव की भोलेश्वर महादेव का मंदिर इस श्रृंखला में प्रमुख है। सड़क से लगभग 400 मीटर ऊपर गांव के शीर्ष पर एक छोटा सा गुफा द्वार का आंगन हमारा स्वागत करता है। एक छोटी सी सुरंग से पार होकर हम एक आंगन में पहुंचते हैं और ये है मुख्य गुफा का द्वार। सामने विराजे हैं महादेव अपने दल बल के साथ। हल्की पूजा अर्चना के बाद हम गुफा में प्रविष्ट होते हैं। न गुफा की छत एक सम है और न ही गुफा का तल। फर्श डालकर रास्ता बनाया गया है। आगे जाकर गुफा दो तलों में बंट जाती है। ऊपर सीढ़ी से चढ़कर हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां भोलेश्वर महादेव प्रकृति रूप में विराजे हैं और चारों ओर पसरी है गुफा की आकर्षक आकृति, एक अविश्वसनीय दृश्य। इस समय हम खड़े हैं वृद्ध भुवनेश्वर के मंदिर परिसर में। इस परिसर में दो प्रमुख मंदिर हैं, वल्लभी शैली में बना चंडिका मंदिर तथा नागर शैली का एक त्रिरथ रेखा शिखर शिव मंदिर। ये दोनों ही मंदिर धार्मिक मूर्ति कला एवं शिल्प की दृष्टि से अद्भुत हैं। भौगोलिक दृष्टि से गंगोली के इस क्षेत्र में चूना पत्थर वाली कई गुफाएं हैं, जिनमें घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा विभिन्न आकृतियां स्वतः उभरी हैं, जो बेहद ही आकर्षक स्वरूप प्रदान करती हैं। इन्हीं स्वरूपों को धार्मिक कथाओं व आस्था के ताने बाने में बुन देने से ये गुफाएं दिव्य धार्मिक स्थान हो गई हैं, जिन्हें समय समय पर सिद्ध महात्माओं और साधुओं ने साधना कर और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। जिनमें सर प्रमुख है पाताल भुवनेश्वर की ये गुफा, जिसके द्वार पर इस समय मैं खड़ी हूँ। ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा का मुख्य द्वार, जिसके भीतर दिव्य व पौराणिक वर्णनों से परिपूर्ण एक अद्भुत संसार है, जिसमें हम पुजारी जी के साथ ही चलेंगे। तो आइए प्रविष्ट होते हैं इस दिव्य गुफा में। सबसे पहले मुख्य द्वार से मैदान में आने तक 82 सीढ़ियां हैं और मैदान में आने के बाद विशाल शेषनाग जी का फन है और शेषनाग जी ने अपने सिर में पूरी पृथ्वी को रोका हुआ है और शेषनाग जी ने अपना मुंह खोल रखा है। दांत और रिब्ज जो है शेषनाग के मुंह के अंदर इसी तरह से होते हैं और इनके ऊपर शेषनाग की विषग्रंथि, जिसको तरलुआ कहा जाता है, वो हर नाग का इसी प्रकार का होता है। इस समय हम शेषनाग के मुंह के अंदर खड़े हैं और मुंह के ऊपर से ही इसमें प्रवेश है। ये तक्षक नाग हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को डंक मारा और ये ऐसे लटके हुए हैं यहाँ से ऐसे घूम करके, ये उनकी जिह्वाएं हैं जो नाग चलने में निकलता है। और इनके बगल में वासुकी नाग हैं। वासुकी नागों में श्रेष्ठ नाग माने जाते हैं और समुद्र मंथन भी इनके द्वारा किया गया था, इन्हीं के पोते तक्षक हुए, इसलिए ये भी जो है उस समय पाताल लोग थे। ये अब हम जो चल रहे हैं शेषनाग की रीढ़ में चल रहे हैं, पूरा पाताल जो है शेषनाग की रीढ़ के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए ये आदि गणेश हैं जिनका सिर काट दिया गया, ये पूरा उनका जो है गर्दन है और एक बाजू है, ये कुंडालिनी है नली जो कट जाने के बाद छूटती है, ये पांव हैं
और इनके ऊपर सहस्त्र दल कमल का फूल है जिसकी 1000 पंखड़ी एक साथ निकलती है और हर पंखड़ी में जो है सुराख है प्राकृतिक और उन्हीं से पानी अभिषेक होता है। अब बाहर से आप कहीं पानी नहीं देखेंगे। ये पुराण में भी है, जब गणेश जी का सिर काट दिया गया था उनको थोड़े समय बचाने के लिए सहस्त्र दल कमल से ही अमृत का छिड़काव दिया गया, उसके बाद ही हाथी का सिर जुड़ा। अब गणेश जी के दाहिने देखिए एक केदारनाथ जी हैं। केदारनाथ में ऐसी ही मूर्ति है शंकर भगवान की और ऐसे ही बद्रीनाथ में हैं बद्री पंचायत पांच मूर्तियाँ, विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश हैं, गरुड़ हैं, कुबेर हैं, इन पांच को मिला के ही वहाँ भी बद्री पंचायत कही जाती हैं। और ये अमरनाथ जी हैं जो पहले बर्फ से बनते हैं, पहला शिवलिंग अमरनाथ का इतना ही बनता है, ऐसे ही गुफा है अमरनाथ जी की और ऐसे ही ऊपर से बर्फ की चटाई बनती हैं। और हिमालय में भी इसी तरह से हैं, केदारनाथ जी कुछ ऊंचे में हैं, बद्रीनाथ जी उससे डाउन में हैं, अमरनाथ जी सबसे ऊंचे में हैं। और यहाँ पर तीन ऊंचे तीर्थ हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, एक ही दृष्टि में तीन के दर्शन होते हैं। संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसमें एक दृष्टि में तीन तीर्थों को देखा जा सके। पाताल भैरवी के आगे चार द्वार हैं, रण द्वार जो महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हुआ करके है पुराण में, उससे पहले ही खुला था, और दूसरा पाप द्वार जो त्रेता में रावण के बाद बंद हुआ उससे पहले ये भी खुला था करके है। कलयुग में धर्म द्वार जिससे हम प्रवेश किए हैं धर्म द्वार खुला है और तथा चौथा द्वार मोक्ष भी खुला है। कलयुग ही मनुष्य के लिए इतना छोटा समय रखा हो गया है कि अगर वो हर काम धर्म से कर रहा हो तो उसके लिए अभी तक मोक्ष में कोई रुकावट नहीं है, परंतु धर्म का पतन भी इसी युग में होगा करके है, उस समय धर्म द्वार भी बंद हो जाएगा, केवल सत्युग में ही मोक्ष द्वार रहेगा। अब आगे पढ़ चले कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का थन लटका हुआ है, वहां से जूत की धारा बह रही है सफेद, यहाँ पर दो ड्रॉप बन रहे हैं और ये सीधे ब्रह्मा जी के सिर में गिरते हैं। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर है जिसको शंकर जी ने झूठ बोलने में त्रिशूल से काट दिया था। जैसे खोपड़ी की आकृति होती वैसी आकृति है इनकी और ऊपर से फिर पूंछ भी है। और यहाँ पर पहले दो युगों की पुराण में है कि उस समय ये जमीन में भी दूधी बहा, परंतु कलयुग के शुरू में ही ये पानी में तब्दील हुआ। यहाँ पर तर्पण किए जाते हैं जो पैतृक तर्पण देते हैं। ब्रह्मकपाल से आगे हंस हैं। हंस इनका मुंह जो है उल्टा रखा हुआ है और ये सप्त कुंड हैं, ऊपर से सात कुंड हैं। ऊपर पहला कुंड है, उसके जड़ में दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवा है। इनमें एक के बाद एक में पानी बह करके सातवें में जमा होता है। ये पानी पिया नहीं जाता, ये केवल अभिषेक किया जाता है पवित्र होने के लिए। पुराण में है कि उस समय इस पानी के साथ अमृत मिलकर आता था तो उसको पीने के लिए सांप से पड़ते थे, तो ब्रह्मा जी ने अपने वाहन हंस को रखा। हंस ऐसा पक्षी है संसार में जो पानी से किसी भी तरल पदार्थ को निकाल देता है, अगर पानी में दूध हो अलग कर देगा, पानी में तेल हो अलग कर देगा। इनको इसलिए रखा गया कि ये पानी से अमृत अलग करेंगे, तो ये खुद पीने की चेष्टा कर ले तो इन्हें शराब दे दिया गया, इनका मुंह जो है पानी से विमुख रखा है। ये विशाल जटाएं भगवान शंकर की हैं, जब महाराजा भगीरथ जो है पृथ्वी को गंगा में लाए, गंगा को पृथ्वी में लाए, तो उस समय शंकर जी ने अपने सिर में पूरी गंगा समाई हुई है। सफेद रंग गंगा का है, काला बालों का, और राजा भगीरथ की भी रस्सी बनी है इसी के बीच में जटा में, और नीचे 33 करोड़ देवी देवता हैं जो है उनकी आराधना में है शंकर जी की, और उन्हीं के बगल में नंदी बैठे हुए हैं, और बगल ही में विश्वकर्मा जी ने जब पांडवों के लिए जो है यहाँ पर कुंड गंगा जल को इस्तेमाल के लिए कुंड बनवाया तो याद में विश्वकर्मा जी का हाथ है। और 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में नर्मदेश्वर भगवान का जो है लिंग बना हुआ है जिसमें पानी जितना पानी डाला जाता है उसको वो सोख करते हैं।
ये मुख्य सिद्ध शक्ति है जिनके नाम से गुफा है पाताल भुवनेश्वर। इनको 822 में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तांबे से ढका हुआ है। ये त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा विष्णु महेश और तीन ही गंगाएं ऊपर से अभिषेक करते हैं इनको एक ही जटा से, एक भगवान शंकर को, एक भगवान विष्णु को, एक भगवान ब्रह्मा जी को, और बारी बारी से टपकते हैं अपने ही उस पर। और ऐसे ही तीनों दीवार में है ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर केवल विष्णु और शंकर जी को ही अभिषेक होता है, ब्रह्मा जी के अलग से अभिषेक नहीं होता क्योंकि ब्रह्मा जी की अलग से पूजा नहीं होती। यही जो है मेन स्थान है, पूजा स्थल, यहीं पर पूजा होती है। अब यहाँ से बहुत पतला मार्ग है, दोनों हाथ पांव टेक करके ऊपर बढ़ना है। आप देखेंगे जब पांडवों को स्वर्ग नहीं मिला था तब शंकर जी के यहाँ तपस्या की गई, तो 6 महीने बाद जो है शंकर जी प्रकट होकर उनको बताए कि तुम्हें स्वर्ग तुम सभी जा रहे हो परंतु सब युधिष्ठिर के अरवा तुम सबको देह त्यागनी होगी। तो युधिष्ठिर को सीधे ही जो यहाँ से बद्रीनाथ के लिए रवाना किया, वहाँ बद्री दर्शन के लिए। ये मार्ग जो है बद्रीनाथ का है, ये गुफा जो जा रही है ऊपर, इसी रास्ते से पांडव जो है बद्रीनाथ निकले। और जब शंकर जी ने उनको कहा कि तुम अब संसार से जा रहे हो तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो पांडवों ने कहा हमने सारी जिंदगी चौपड़ खेला, इस समय भी आपके साथ चौपड़ ही खेलेंगे। तो चौपड़ खेला गया। वो चौपड़ वाला अब थोड़ी सी ऊपर बढ़ के देखिए, यहाँ पर पांचों पांडव बैठे हुए हैं और चौपड़ खेल रहे हैं शंकर जी के साथ में। ये 1, 2, 3, 4, 5 पांडव हैं, वो शंकर जी हैं बड़े वाले रिंग जो है, बीच पर पार्वती जी हैं, सामने चौपड़ की गोटियाँ रखी हैं, नंदी बैठे हुए हैं और ये पूरे गण देखने वाले हैं दीवार में जो देख रहे हैं आप। कई लोग खड़े हैं, कई बैठे हैं, ये पूरा दरबार है, कहीं झालर है, कहीं स्तंभ है, कहीं झंडे हैं। ये अंतिम चौपड़ चल रहा है, इसके बाद ही वो हिमालय में गए यहीं से। अब यहाँ पर देखिए ये ऐरावत हाथी का माथा है और ये कान है और ये सूंड है मुड़ी हुई और ये साइड का दांत है, दिखाने वाला दांत जो होता है, और इसके बगल में खाने वाला दांत है। और अब नीचे देखिए ऐरावत हाथी के 1000 पाँव, यहाँ से देखिए बाएं पूरे चारों तरफ ऐसे घूमते हुए ये पूरे पाँव ही पाँव लटके हुए हैं। और उधर दाहिने देखिए, वहाँ भी पूरे पाँव ही पाँव है सीढ़ी तक। अब ऊपर देखिए जिस प्रकार हाथी की खाल होती उसी प्रकार इसकी पूरी खाल है। ये सरस्वती गंगा बह रही है जो सभी तरह से देख रहे हैं आप, इनमें पानी नहीं है क्योंकि इनको शराब मिल गया था, इस चिंपेड़ी से जो है पाताल हो गई थी। इनका थोड़ा सा रूप जो है केदारनाथ में दिखाया गया, उसके बाद ये पाताल लोक नहीं है। तो ये थी पाताल भुवनेश्वर गुफा की रोचक, रोमांचक व रहस्यमय दुनिया। वैसे गंगोली का यह क्षेत्र दिव्य व आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही अपने भीतर एक रोचक इतिहास को भी समेटे है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी नाग जाति का निवास स्थान होता था, जिनके नाम से आज भी यहाँ पर कई स्थानों के नाम हैं, और इनमें सर्वप्रमुख है बेरी नाग। पौराणिक वर्णनों, रोचक दंत कथाओं, अनोखी लोक परंपराओं और विशिष्ट जीवन शैली ने कुमाऊं के इस क्षेत्र को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। विशिष्ट भौगोलिक संरचना और रहस्यमय गुफाओं के क्षेत्र ने इसे पाताल निवासी नागों के क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। विशिष्टताओं के कई आयाम हैं यहाँ, लेकिन सर्वप्रमुख है शक्ति के उग्र रूप, जो इस क्षेत्र के धर्म, संस्कृति व जीवन दर्शन की धुरी है। देवभूमि कुमाऊं का यह सिद्ध जागृत क्षेत्र गंगोली अपने भीतर न जाने कितनी दैवीय जनश्रुतियों व साधकों की कथाएं समेटे शांत है।
भक्तों की भक्ति व साधकों की साधना यहाँ कण कण में समाई है। यह देवी सर्वभूतेषु गुणः स्वरूपा महाशक्ति का अंश यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। शिव व शक्ति के सैकड़ों रूपों के प्रशय में यहाँ भूत वर्तमान व भविष्य निश्चिंत है।